हाँ, वैसे तो बैन तो बहुत कुछ है इस देश में, तंबाकू है, गुटखा है, लेकिन चल तो रहा है ना। चल भाग यहाँ से। रामनगर गांव की बात है, जहाँ पर एक हरिलाल नाम का पतंग और हाथपे का मांजा बनाने वाला एक कुशल कारागिर रहता था। संक्रांति का त्योहार नजदीक आ रहा था तो हरिलाल बाजार से कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि कुछ बांस की लकड़ियाँ, रंग बिरंगी कागज। दरअसल हरिलाल एक गरीब पतंग बेचने वाला कारागिर था। गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक सब हरिलाल के हाथ का बनाया हुआ मांजा और पतंगे ही खरीदते थे, क्योंकि वो पतंग बनाने में बहुत ही माहिर था। उसका पतंग बनाने का हुनर बहुत ही अच्छा था। पहले पूरे बांस के छोटे छोटे लकड़ियों को छीलता था और अपने हाथों से गोंद बनाता था। वो बड़े ही लगन से और बड़े ही शौक से अपने हाथों से पतंगे बनाता था और साथ में मांजा भी बनाता था। वो घर पर ही कांच को और गोंद को मिलाकर मांजा बनाता था। साल भर मेहनत करके संक्रांति के समय वो सारी पतंगे बेचकर उसी से साल भर का गुजारा करता था। एक दिन हरिलाल का बेटा उससे बोलता है, पिताजी, जितना अच्छा पतंग और मांजा हम लोग बनाते हैं, उतना अच्छा पतंग और मांजा गांव में कोई भी नहीं बनाता, तो क्यों ना हम इन पतंगों की क्वालिटी कुछ कम कर दे और ज्यादा पतंगे बनाए, तो इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम्हारा सारा वक्त इन लकड़ियों को छीलने में और इस कांच को कूटने में जाता है। इन सब के बगैर तुम पतंग और मांजा बनाओगे तो तुम्हें कम समय लगेगा, तो हम ज्यादा पतंगे बनाएंगे और मांजा भी, और इससे हमारी ज्यादा कमाई होगी। तो उस पर उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, हम हाथ से पतंग और मांजा बनाते हैं, मैं इसमें अपना पूरा हुनर डालता हूँ, तभी तो इस बेजान कागज में जान आती है और वो हवाई जहाज के जैसे हवा में उड़ पाते हैं, और मेरे हाथों की बनाई हुए पतंगे आसमान में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने पिताजी का पतंगे बनाने के लिए प्यार उसके बेटे के समझ में आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब हरिलाल के पास पहले जैसी भीड़ नहीं रही। उसके दुकान पे पतंगों के लिए ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। वो परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से क्या हो गया। हरिलाल ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, संक्रांति तो इसी हफ्ते में है ना, फिर अपने दुकान पर कोई पतंग और मांजा लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। फिर उसके दुकान के पास एक बच्चा आता है, तो उस बच्चे को बुलाता है और पूछता है, अरे बेटा, इधर आओ, इस बार संक्रांति पे तुम्हें पतंगे नहीं उड़ानी क्या, तो हमारी दुकान से पतंगे और मांजा क्यों नहीं खरीद रहे हो, पहले तो मांजा खरीदने बहुत आते थे, इस बार क्या हुआ। उस पर वो बच्चा बोलता है, अरे हरी चाचा, अभी मुझे तुम्हारे मांजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गाँव में नायलोन मांजा आ चुका है, नायलोन मांजा, और पतंगे भी प्लास्टिक पेपर की आ गई है। नायलोन मांजा तो इतना मजबूत होता है कि तुम्हारे हाथ से बनाए हुए मांजे को एक ही झटके में काट देता है, और हाँ, वो तुम्हारे मांजे से सस्ता भी है, इसीलिए मैं वही पतंग और मांजा लेता हूँ। हरिलाल को समझ नहीं आता, ये नायलोन मांजा है क्या चीज, ये पहले तो अपने गाँव में नहीं था। फिर वो नायलोन मांजे को देखता है तो वो सोचता है, ये मांजा है तो बहुत मजबूत। फिर वो उस मांजे के ऊपर लगा हुआ लेबल देखता है, तो वो मांजा तो बहुत बड़ी कंपनी ने बनाया हुआ था, बल्कि हाथ से नहीं बनाया था, यह मांजा प्लास्टिक का बनाया हुआ था, इसीलिए, और इसकी बहुत सारी कंपनियां शहरों में हैं, यह माल तो बहुत मात्रा में बनता है और इसीलिए यह मांजा सस्ता मिलता है। ये बात हरिलाल को समझ में आ जाती है, और इसी के साथ हरिलाल को यह भी समझ आता है, यह नायलोन मांजा मजबूत तो है, लेकिन साथ ही में ये बहुत हानिकारक भी है। हाथ के मांजे रुई के तागे के बनते हैं, इसीलिए पर्यावरण को उससे नुकसान नहीं होता, और ये नायलोन मांजे प्लास्टिक के हैं, इसी वजह से ये खत्म ही नहीं होते, और ये ना टूटने की वजह से बहुत खतरनाक भी होते हैं। अगर ये किसी के गले में अटक जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर हरिलाल ये बात सोचकर बहुत निराश हो जाता है। फिर वो और उसका बेटा लोगों को समझाते हैं, अरे ये नायलोन मांजा है, ये मांजा मत इस्तेमाल करो, इससे बच्चों का गला कट सकता है,
वो टूटता नहीं है, वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, पर लोग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं, जो सस्ता है वही हम खरीदेंगे। बेचारा हरिलाल परेशान हो जाता है और फिर वो अपने बेटे को लेकर अपनी दुकान में बैठता है। फिर उसका बेटा पूछता है, पिताजी क्या हम अब भी पतंग और मांजा बनाना शुरू रखेंगे? और अब हम इस बचे कुचे माल का क्या करेंगे? लोग तो हमारे दुकान पर आने से रहे, क्या अब हमें दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा? तो उस पर उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा पतंग और मांजा बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, वही हुनर मुझ में है, मुझे वही आता है, मैं दूसरा काम क्या करूं? ऐसा कहकर वो अपनी पतंगे बनाने में जुट जाता है। ये सुनकर उसका बेटा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पिताजी कितनी भी मेहनत करे, अब उनसे ये पतंगे और मांजा कोई नहीं खरीदेगा और ये पूरा साल हमें पैसों की परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पिताजी ने ज्यादा माल बनाने के लिए उनके पास का सारा पैसा पतंगे और मांजा बनाने के लिए लगने वाले कच्चे माल के लिए खर्च कर दिया था। मांजा और पतंग बनाने का हुनर इन पर जैसे इन बड़ी कंपनियों ने ताला ही लगा दिया था। जितना पतंग और मांजा बनाने के लिए हरिलाल को एक साल लगता था, उतना पतंग और मांजा तो ये कंपनियों की मशीनें एक दिन में बना देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन हरिलाल का बेटा न्यूज पर देखता है, ये नायलॉन मांजा, इसकी खरीदी और बिक्री, इस पर सरकार ने रोक लगाई है, ये बैन है, जो भी इंसान इसे बेचेगा उसे 10 लाख का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ये न्यूज देखकर हरिलाल का बेटा सोचता है, अरे नायलॉन मांजा तो बैन है, इसके बावजूद कुछ लोग, देखो लोग इसे बेचकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात हरिलाल का बेटा समझ जाता है और अब उसे समझ आता है कि उसे क्या करना है। फिर वो नायलॉन बेचने वाले दुकानदारों और उन सेठों के पास जाता है और उनसे बोलता है, ये नायलॉन मांजा जो आप बेच रहे हो, इसे बेचने पर 10 लाख का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। उस पर वो सेठ बोलता है, हाँ वैसे तो बैन तो बहुत कुछ है इस देश में, तंबाकू है, गुटखा है, लेकिन चल तो रहा है ना, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया हमें समझाने वाला। फिर हरिलाल का बेटा समझ जाता है कि ये लोग तो मानने से रहे। फिर वो वहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे कुछ लोग अवैध रूप से नायलॉन मांजा बेच रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर पुलिस वहाँ पर आती है और फिर उन नायलॉन मांजा बेचने वाले दुकानों पर छापा मारती है, उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें 10 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ता है। फिर पुलिस वालों ने लोगों को बताया कि नायलॉन मांजा बेचना और इस्तेमाल करना दोनों भी अपराध है। फिर गांव वालों की आंखें खुलती है और उन्हें हरिलाल की बात समझ आती है और इस दिन के बाद से लोग नायलॉन मांजे को हाथ लगाने से भी डरते हैं। फिर गांव के सारे ग्राहक और बच्चे हरिलाल के दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हरिलाल का सारा माल चुटकियों में बिक जाता है। दोस्तों, आप नायलॉन मांजे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस मांजे में बेजुबा पंछी अटक कर अपनी जान खो देते हैं और कई बच्चों के खेलते हुए गला और हाथ इससे कट चुके हैं, और नायलॉन मांजा पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप नायलॉन मांजे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और पर्यावरण को हित में रखकर खूब मजे से पतंगे उड़ाए। 12 साल का माधव स्कूल से आता है, तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें अभी खाना लगाती हूँ। तो माधव अपनी माँ से बोलता है, नहीं नहीं माँ, मुझे अभी खाना खाने का भी वक्त नहीं है, ये साल खत्म होने के पहले पहले ही मुझे सारा कर्जा चुकाना है, वरना हमें ज्यादा ब्याज देकर पैसा चुकाना होगा। पर बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तुम्हारे पास है क्या? माँ मेरे पास पैसे तो है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे सामान बेचने के लिए एक ठेला खरीदना है और उसी के लिए मैंने कई दिनों से ये पैसे बचा के रखे थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। माधव के पिताजी नहीं थे, इसीलिए उसकी माँ ने उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए ढेर सारा कर्जा लिया था, पर उस अकेले के कमाई से
वो कर्जा उससे कई सालों से चुकता नहीं हो पा रहा था। इसीलिए माधव को कम उम्र में ही स्कूल के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। माधव को अब समझ में आ रहा था कि माँ की अब उम्र हो रही है, इसी वजह से माँ से अब कुछ ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो सीजन के हिसाब से जरूरत की चीजें बाजार में बेच कर आता था। इस बार माधव ने उसके पास के सारे पैसे का माल खरीदा था और एक नया ठेला भी खरीदा था। उसे लगा क्रिसमस का त्योहार है, ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर माधव नया ठेला लेकर बाजार जाता है। उसके ठेले पर क्रिसमस की सेंटा क्लॉज की टोपियां होती है और साथ में कुछ डेकोरेशन का सामान भी होता है। फिर वो उसे बेचने के लिए अपना ठेला एक दुकान के सामने लगाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे बोलता है, ए लड़के, तेरा ठेला जल्दी से आगे ले चल। माधव उसे बोलता है, क्यों क्यों मैं मेरा ठेला आगे लूँ? अबे दिखाई नहीं दे रहा, तेरे ठेले के एकदम पीछे मेरी दुकान है। ग्राहकों को मेरी दुकान तभी दिखेगी जब तू तेरा ठेला यहाँ से हटाएगा। पर मैं तो सड़क पर बेच रहा हूँ, और सड़क आपकी थोड़ी ना है, सड़क तो सरकार की है। फिर दुकान मालिक बोलता है, अरे हाँ भाई, सड़क सरकार की है, पर तू मेरे दुकान के सामने अभी तेरा ठेला मत लगा, समझा क्या? चल किसी दूसरे की दुकान के सामने जाकर लगा, चल निकल अभी। अभी धंधे के टाइम मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू एक छोटा बच्चा है, समझा? चल निकल अभी। फिर दुकानदार वापस अपने दुकान में जाते जाते मन ही मन बोलता है, अगर लोग तुझसे टोपिया खरीदेंगे तो मेरे दुकान से क्या लेंगे? हाँ, ये ठेले वाले सस्ते में माल बेचते हैं, फिर हम दुकानदारों से कौन लेगा? दुकान का किराया, मेंटेनेंस, इसका पैसा कहाँ से निकालूं? इसलिए हमें सस्ते में देने को नहीं पुरता ना, कुछ करना पड़ेगा इन ठेले वालों का। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के। फिर माधव वहाँ से मायूस होकर अपना ठेला लेकर थोड़ा आगे जाता है, तो वहाँ पर भी एक दुकानदार आता है और उसे गालियाँ देता है। ए छोकरे, चल हटा तेरा ठेला मेरी दुकान के सामने से, धंधे का टाइम खोटी मत कर, चल निकल। माधव को समझ नहीं आता, कोई दुकानदार मुझे अपना ठेला ईमानदारी से क्यों नहीं लगाने दे रहा है। माधव सोचता है, मुझे तो अपना ठेला वही लगाना पड़ेगा जहाँ बाजार में ज्यादा लोग होंगे, जहाँ लोग नहीं वहाँ मेरा माल कौन खरीदेगा। फिर वो सोच में पड़ जाता है, अगर आज मेरा माल नहीं बिका तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कल तो कल ये क्रिसमस का त्योहार भी खत्म हो रहा है, फिर कल मेरी ये टोपिया कौन खरीदेगा। कुछ भी हो जाए मुझे आज ये माल बेचना ही होगा। ऐसा कहकर वो अपना माल बेचने की कोशिश करता है और लोगों को आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता है, खिलौने ले लो, सेंटा क्लॉज की टोपिया ले लो, गिफ्ट ले लो। तभी कुछ बच्चे जो कि माधव के ही स्कूल के होते हैं, वो अपने माता पिता के साथ सामने से आते हुए माधव को दिखते हैं, तो उसे अपने दोस्तों के सामने चिल्लाकर बेचने में शर्म आने लगती है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को ये नहीं बताया था कि स्कूल खत्म होते ही वो पैसे कमाने के लिए बाजार में कुछ बेचने का काम करता है। वैसे तो काम करने में कोई बुराई नहीं होती, पर कितना भी करो माधव है तो एक बच्चा ही ना, उसे ये बात समझ में नहीं आती। फिर दोस्तों की नज़र उसके ऊपर पड़ने से पहले ही वो ठेला अपने आप से दूर कर देता है, ताकि उसके दोस्तों को लगे कि ठेला माधव का है ही नहीं। फिर उसके दोस्त थोड़े से नज़दीक आते हैं, तो माधव उन्हें थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, ताकि उसके दोस्त आगे निकल जाए और वो अपना ठेला लेकर चला जाए। पर तभी उसमें से एक दोस्त उसे आवाज़ देता है, अरे माधव, तुम यहाँ कैसे? तो माधव हिचकिचाते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं। उसका दोस्त बोलता है, तो कुछ लेने आए हैं क्या बाजार में? तो माधव शर्माते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया था, मैं तो बस घूमने आया था बाजार में। ऐसा बोलते हुए उसकी एक नज़र उसके ठेले पर भी होती है। जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तभी कुछ लोग उसके ठेले को उठाकर ले जा रहे होते हैं, तो माधव परेशान हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि अभी दोस्तों से बात करते हुए ठेले के पास पहुंचूं या फिर यहीं पे खड़ा रहूं। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है माधव, अभी हम निकलते हैं। तो माधव जल्दी से बोलता है,
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम निकलो। और जैसे ही माधव के दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो जल्दी से अपने ठेले की ओर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे अरे मेरा ठेला, अरे मेरा ठेला, अरे मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हो, अरे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, रुक जाओ। फिर भी वो लोग रुकते नहीं और वो ठेले के पीछे दौड़ते हुए बोलता है, अरे तुमने मेरा ठेला क्यों उठा के गाड़ी में डाला है। वो लोग म्युनिसिपैलिटी के अतिक्रमण विभाग से थे और उन लोगों ने माधव का ठेला इसलिए उठाया था कि रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक ना हो। फिर माधव बीच सड़क में ही जोर जोर से रोने लगता है, मेरा नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा ठेला, मेरा सामान। फिर उसे पता चलता है कि अतिक्रमण वालों को फोन करके बुलाने वाले कोई और लोग नहीं, वही लोग हैं जिनके दुकान के सामने माधव ने अपना ठेला लगाया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई ठेले वाला उनके ग्राहक छीन ले। बेचारा माधव तो अभी बच्चा था, माधव को धंधे की राजनीति अभी कहाँ समझ आती थी। वो बेचारा तो काम करके पैसे कमाकर अपने माँ की मदद करने की कोशिश कर रहा था, सारा कर्जा चुका कर नए साल की अच्छी शुरुआत करना चाहता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेचारा मायूस होकर खाली हाथ अपने घर लौट जाता है और हर साल की तरह ये साल भी मायूसी और गरीबी के साथ उसका स्वागत करता है।